सड़कों से लेकर पुलों निर्माण तक, हवाई अड्डों के विकास से लेकर नए रेल नेटवर्क तक, हर क्षेत्र में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए झारखंड में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और इन्हीं में से एक है सोनारी एयरपोर्ट, जिसे जमशेदपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जमशेदपुर एयरपोर्ट के बारे में। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के सपने को साकार करने में झारखंड का विकास एक महत्वपूर्ण कड़ी है और अब इसमें जमशेदपुर का सोनारी एयरपोर्ट भी सार्थक भूमिका निभाएगा। जमशेदपुर एयरपोर्ट झारखंड का तीसरा एयरपोर्ट बन चुका है और यह मेन टाउन से लगभग 4.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, झारखंड की इस इंडस्ट्रियल सिटी को हवाई मार्ग के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। टाटा स्टील के स्वामित्व वाला यह एयरपोर्ट जमशेदपुर का डोमेस्टिक एयरपोर्ट हुआ करता था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और टाटा स्टील के प्रयासों के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 25 जनवरी 2023 को इस हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान किए और इसके साथ ही 31 जनवरी 2023 से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए कमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट से 9-सीटर विमानों का परिचालन किया जा रहा है और यह एयरपोर्ट उन लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है जो इमरजेंसी में कहीं आना जाना चाहते हैं। दोस्तों, ये एयरपोर्ट स्थानीय निवासियों के लिए अन्य शहरों से आवागमन का माध्यम बनेगा और साथ ही बिजनेस और टूरिज्म के विकास के लिए नए अवसर और सुविधा भी प्रदान करेगा। कम लागत वाली क्षेत्रीय एयरलाइन इंडिया वन एयर द्वारा कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए उड़ान सेवाएं प्रदान की गई है। कंपनी ने काफी कम फेयर में हवाई सेवा की शुरुआत की है। जमशेदपुर से कोलकाता के लिए 1,999 और भुवनेश्वर के लिए 2,999 किराया रखा गया है। वैसे ये फेयर 14 फरवरी तक मान्य होने वाली है, उसके बाद फेयर बढ़ेगा या यही रहेगा इसकी पुष्टि बाद में की जाएगी। यह छोटा एयरक्राफ्ट आपको प्राइवेट जेट का एक्सपीरियंस देने वाला है। आप टिकट की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, सोनारी एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने के कारण यहाँ पर ATR-72 या फिर इससे अधिक सीट वाले एयरक्राफ्ट नहीं उतारे जा सकते हैं और इन्हीं सब को देखते हुए फ्यूचर में धालबुंगड़ में एक नया एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिसका DPR और 3D मॉडल भी तैयार कर लिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एयरपोर्ट को 300 करोड़ की लागत से 2 चरणों में बनाया जाना है और यह एयरपोर्ट जमशेदपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे इसके बन जाने से ये एयरपोर्ट आसपास के कई जिलों के लाखों से अधिक जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा और साथ ही यह झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह एयरपोर्ट जल्द से जल्द बननी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही आप झारखंड की किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले और साथ ही अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।